वेलकम टू कुकिंग गुरु सुधा। मैं आपकी सुधा रानी गुप्ता। आज आपको बनाने सिखाएंगे घर में व्हाइट चीज पास्ता कैसे बनाया जाता है। आइए देख लेते हैं इसकी सामग्री। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं तैयारी। एक चम्मच ऑरिगेनो, दो चम्मच क्रीम, आधी कटोरी ताजा दूध, एक कटोरी बॉयल किया हुआ पास्ता, दो से तीन चम्मच मैदा, दो बड़े चम्मच मक्खन, कटे हुए हरे प्याज, कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च, कद्दूकस किया हुआ चीज, कुटी हुई काली मिर्च, बारीक कटी हुई धनिया, धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटा लाल मिर्चा, नमक स्वाद अनुसार। आइए करते हैं तैयार। आइए गैस को ऑन कर लेते हैं। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा मक्खन। जब मक्खन मेरा थोड़ा मीट हो जाए उसके बाद इसमें डालेंगे बाकी की सब्जी। देखिए मक्खन मेरा मीट हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं प्याज। जब ये प्याज मेरा हल्का सा मुलायम हो जाए इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च और बारीक कटी गाजर। ये मुलायम हो गया है। देखिए फ्राई हो गया है मेरा। अब इसमें डाल देते हैं बाकी के मसाले। ये देखिए धनिया पाउडर डाल दिया हमने, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, ज्यादा पानी नहीं है, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, थोड़ा देरी लगेगा, थोड़ा स्वाद अनुसार डाले, थोड़ा सा चला देते हैं। आज थोड़ा सा तेल, इसमें हम डाल देते हैं क्रीम, सब्जी हो गई है। अब हम गैस कर देते हैं बंद। इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। आइए गैस को ऑन करते हैं और बना लेते हैं अपना व्हाइट सॉस। आइए हम बताते हैं कैसे व्हाइट सॉस बनाया जाता है। इसमें मिला लिया मक्खन। मक्खन थोड़ा सा मिल्ट हो जाए, गैस को एकदम जीरो रखिए। इसमें हम डाल देते हैं मैदा, बस 1 चम्मच। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप दूध डाल दें। देखिए मेरी सॉस रेडी हो गई है। अब इसमें हम डाल देते थोड़ी सी काली मिर्च, स्वाद अनुसार डालिए।
थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा ऑरिगेनो पाउडर, ऐसे में डाल देते हैं सारी सब्जियां जो हमने फ्राई की थी। इसको अच्छे से मिला दीजिए। देखिए मेरी सारी सब्जियां मिल गई हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं ये पास्ता जो बॉइल के रखा हुआ था, डाल देते हैं इसी में। देखिए मेरा पूरा पास्ता मिल गया अच्छे से, सारी सब्जियां इसी मिल गई हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा चला लेते हैं हो जाए अच्छे से। देखिए मेरी चीज एकदम हो गई है। देखिए अब हम गैस को कर देते हैं बंद और करते हैं चलिए इसकी प्लेटिंग। ये देखिए मेरा व्हाइट चीज पास्ता रेडी है। आप भी अपने किचन में बनाइए और सभी को खिलाइए। मेरा ये चीज पास्ता आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपकी सुधा रानी गुप्ता आपसे फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।